अस्सलाम वालेकुम शाहिदीन और नाज़रीन, मैं समीरा खान आपके हमारे अपने महबूब चैनल SKM 91 न्यूज़ पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। तेलंगाना के जगतियाल शहर से ताल्लुक रखने वाले NTV के रिपोर्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन पीर की रात एक न्यूज कवरेज के बाद जगतियाल से वापसी के दौरान भूपतिपुर और रामूजी पेट के दरमियान वाकई कैनाल में रिपोर्टर जमीर कार के साथ पानी में बह गए और आज चौथे दिन जमीर की लाश कैनाल के करीब में वाकई झाड़ियों में बरामद हुई। चार दिन तक पानी में रहने की वजह से लाश नाकाबिले शिनाख्त हो गई थी, जिसके पेशे नजर रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की हिदायत पर लाश का पोस्टमार्टम मुकामी हादसे पर ही किया जा रहा है। इसके बाद मैयत को जगतियाल रवाना किया गया। नमाज जनाजा आज इस्लामापुर जगतियाल की मस्जिद बाद नमाज जुमा 2 बजे अदा की गई। बाद अजां आज साउथ जोन के मुख्तलिफ चैनल के रिपोर्टर्स ने चार मीनार के दामन पर NTV के काबिल रिपोर्टर मोहम्मद जमीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत से एक अहम मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए ऑल साउथ जोन के रिपोर्टर्स ने तेलंगाना हुकूमत से मोहम्मद जमीर के घर वालों को 10 लाख रुपए और कोई एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि मोहम्मद जमीर न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए हादसे का शिकार हुए हैं, उनके फर्ज को अदा करते हुए वो दुनिया से गुजर गए हैं। साउथ जोन के तमाम गमजदा रिपोर्टर्स ने हुकूमत से जमीर के घर वालों की मदद करने की गुजारिश की। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे खय्यूम की ये खास रिपोर्ट में इसके मजीद तफसीलात SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। कैंडल मार्च निकाली गई है हमारे चारनार के और रोल सिटी के अतराफ के सराउंडिंग के जितने रिपोर्ट्स थे, जो कि मोहम्मद जमीर के इंतकाल के बाद, यानी कि अपने फ़र्ज अंजाम देते हुए जो एक बहादुर हमारे जो रिपोर्टर थे वो अपना फ़र्ज अंजाम देते हुए अपनी यानी कि आखिरी सांस तक का उन्होंने अपनी कोशिश की, पर उनके साथ एक हादसा गुजरा जिसके बाद उनका इंतकाल हो चुका था। तो गाड़ी वगैरह सब मिली है, तो हमारी मीडिया की जानिब से हमारे तमाम रिपोर्टर्स हो या इनपुट हो या आउटपुट में काम करते हो, उन सब की जानिब से एक अदबन गवर्नमेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद जमीर को 2 लड़के बच्चे हैं जो, और उनकी मिसिस ग्रेजुएट है, तो ऐसा कुछ करे कि एक्सग्रेशिया दे और मोहम्मद जमीर की मिसिस को कुछ एक गवर्नमेंट जॉब दे। हमारी डिमांड यही है कि एक फ़र्ज अंजाम देते हुए एक रिपोर्टर का जब आखिरी हद पार हो गई है तो गवर्नमेंट की भी जानिब से कुछ ऐसी इमदाद हो कि मोहम्मद जमीर के फैमिली को, उनकी जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर बन सके। तो हमारी डिमांड यही है कि उनको एक्सग्रेशिया दिया जाए और एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। शुक्रिया। आर यू सर्चिंग फॉर अ गुड कॉलेज इन हैदराबाद? इफ यस, देन योर सर्च एंड्स एट हिदाया जूनियर कॉलेज। We provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation, along with regular IPE courses. Hidayah offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. Separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic education and Quran classes. We are located at Mehdipatnam, Chandrayan Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.